गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। चलिए आज हम सेकंड क्लास के लिए पढ़ा रहे हैं और हमारा चैप्टर है सेकंड, द मर्चेंट्स बैग, यानी मर्चेंट का बैग। और इस मर्चेंट के बैग में क्या है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। ए रिच मर्चेंट वंस ड्रॉप्ड हिज बैग इन द मार्केट प्लेस। एक अमीर व्यापारी था जिसने अपना बैग मार्केट में गिरा दिया। ए पुअर ओल्ड वुमेन फाउंड द बैग। एक बूढ़ी औरत ने उस बैग को पाया। सी ओपेंड इट एंड सॉ दैट इट हैड 50 गोल्ड कॉइन्स। और उसने उस बैग को खोला तो उसे 50 गोल्ड कॉइन्स मिला। जस्ट एज सी वॉज वंडरिंग हुज बैग इट वॉज, और वह तुरंत ही सोचने लगी, खोजने लगी कि यह बैग किसका है। सी हियर्ड द मर्चेंट साउंड, और उसी समय उसने मर्चेंट के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। ए रिवार्ड, आई विल रिवार्ड एनी वन हु फाइंड माई बैग। एक पुरस्कार, मैं जो कोई भी बैग पाया होगा मेरा, उसे मैं रिवार्ड दूंगा, इनाम दूंगा। और इसी तरह वह चिल्ला रहा था। द ऑनेस्ट ओल्ड मैन ओमैन गिव द बैग टू द मर्चेंट, और उसने आवाज़ सुना बूढ़ी औरत ने, तो वह ईमानदारी पूर्वक उसे मर्चेंट को बैग देती है और कहती है यह तुम्हारा बैग है। सी सैड विल यू गिव मी माई रिवार्ड, और वह कहती है कि क्या मुझे रिवार्ड, अपना रिवार्ड मिलेगा। जैसा कि मर्चेंट ने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि जो कोई पाएगा मेरा बैग उसे मैं इनाम दूंगा, इसीलिए वह बूढ़ी औरत उससे अपना इनाम मांगती है क्योंकि उसने उसे बैग लौटा दिया। रिवार्ड, सेड द मर्चेंट। मर्चेंट ग्रीडली कंटिन्यूइंग हिज गोल्ड कॉइन्स। पुरस्कार कहकर लालची मर्चेंट इसी तरह बोला कि उसके गोल्ड कॉइन्स बहुत थे उसमें। माई बैग हैड 200 पीसेस ऑफ गोल्ड, मेरे बैग में 200 पीस थे गोल्ड के। यू हैव ऑलरेडी स्टोलन मोर देन द रिवार्ड, गो अवे। तुमने रिवार्ड से यानी इनाम से ज़्यादा ही तुमने चुरा लिया है और तुम चले जाओ। रिवार्ड से ज़्यादा चुरा लिया है। आई एम पुअर बट आई एम हॉनेस्ट, और कहती है मैं गरीब हूँ लेकिन ईमानदार हूँ। सेड द ओल्ड वुमैन, बूढ़ी औरत ने कहा, आई विल गिव टू द क्वीन पैलेस एंड आस्क फॉर हेल्प। मैं रानी के महल जाऊंगी और उनसे मदद मांगूंगी। क्यों? क्योंकि उसे सोने का सिक्का रिवार्ड नहीं मिल रहा है, मर्चेंट नहीं देना चाहता, इसीलिए उसने कहा कि मैं रानी के पैलेस में जाऊंगी, महल में, और उनसे मदद मांगूंगी। द क्वीन कॉल द मर्चेंट एंड लिसन टू बोथ पर्सन्स। अब रानी ने दोनों पर्सनों को बुलाया और दोनों की बात सुनी। देन सी सेड, आई बिलीव यू बोथ योर बैग हैड 200 पीसेस ऑफ गोल्ड। तब रानी ने कहा, मैं तुम दोनों पर विश्वास करती हूँ, तुम्हारे बैग में 200 सोने के सिक्के थे। दिस बैग दैट द वोमेन फाउंड हैज़ ओनली 50 पीसेस, लेकिन यह बैग जिसे बूढ़ी औरत ने पाया था उसमें तो केवल 50 गोल्ड कॉइन्स थे। सो दिस कैन नॉट बी योर बैग, इसीलिए यह बैग तुम्हारा नहीं हो सकता है। द क्वीन सेड टू द मर्चेंट, व्यापारी को रानी ने कहा। देन द क्वीन गेव द बैग हैविंग 50 गोल्ड कॉइन्स, तब रानी ने 50 गोल्ड कॉइन्स ईमानदार औरत को दिया। द मर्चेंट हैड नथिंग टू से, और इस तरह व्यापारी जो है उसे कुछ नहीं कह सका। सी ही न्यू दैट दिस वॉज हिज पनिशमेंट फॉर बींग डिसहोनेस्ट एंड ग्रीडी, और उसे मालूम हो गया कि यह उसका बेईमानी का फल है जिसे उसे कुछ बोल नहीं पा रहा है, जिससे वह, और उसी का ये परिणाम है जिससे उसे लालचीपन का मिल रहा है पनिशमेंट। तो चलिए हमारा ये लेसन ख़त्म हुआ। तो इससे हमें क्या सीख मिलता है कि हमें लालची नहीं बनना चाहिए,
ईमानदार रहना चाहिए, लालची बनोगे तो हमेशा ही पनिशमेंट मिलते रहेगा। तो इसी तरह तुम बच्चे कभी भी, बच्चों तुम लोगों को भी कभी भी डिसहोनेस्ट मैन नहीं बनना है, बच्चे नहीं बनना है। चलिए अब डिफिकल्ट वर्ड पढ़ लेते हैं। मर्चेंट, मर्चेंट मीनिंग ए मैन हु सेल्स थिंग। मर्चेंट वो हुआ जो कोई भी सामान बेचता है, उसे हम मर्चेंट कहते हैं। वंडरिंग, वंडरिंग यानी थिंकिंग, सोचना। होनेस्ट मीन्स ईमानदार। ए पर्सन हु टेल्स द ट्रूथ, जो व्यक्ति सच बोलता है उसे हम होनेस्ट कहते हैं। ग्रीडली, ग्रीडली मीन्स लालची यानी वांटिंग मोर एंड मोर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मिले तो इसी को कहते हैं लालच। और स्टोलेन, स्टोलेन मीन्स चुराना। टू टेक अवे समथिंग दैट इज नॉट योर्स, यानी कोई तुम्हारी चीज़ों को चुरा लेता है तो वो स्टोलेन कहलाता है। डिसहोनेस्ट यानी डिसहोनेस्ट, बेईमान व्यक्ति। ए पर्सन हु सेज थिंग्स दैट आर नॉट ट्रू, एक व्यक्ति जो सच नहीं बोलता है तो वो डिसहोनेस्ट होता है। और यह होनेस्ट का अपोजिट वर्ड हुआ डिसहोनेस्ट।